नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कुछ विशेष तथ्य तथा मोरनी द्वारा मोर के आंसू चुककर गर्भवती होने के पीछे छुपी सच्चाई को जानेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों, मोर धरती के सबसे सुंदर तथा उड़ने वाले बड़े पक्षियों में से एक है। मोर को 26 जनवरी 1963 को इसकी सुंदरता के कारण ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। दोस्तों, मोर भारत के साथ ही म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर में नर और मादा का पता लगाना सबसे आसान होता है, क्योंकि नर मोर के पास सुंदर और आकर्षित दिखने वाले पंख होते हैं और इन्हीं पंखों को फैलाकर आपने इसे नाच करता जरूर देखा होगा। मोर एक सर्वाहारी पक्षी है जो पत्ते, घास तथा छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर सांप तक को खा जाता है। मोर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरी तरह से संरक्षित है तथा इसे पालना और इनका शिकार करना गैरकानूनी है। मोर अपना प्रजनन काल समाप्त होने के बाद स्वाभाविक रूप से अपने सुंदर और आकर्षित पंखों को गिरा देते हैं। दोस्तों, मोरों में होने वाला प्रजनन आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा द्वारा कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मोर आजीवन ब्रह्मचार्य रहता है, अर्थात मोरनी के साथ कभी सेक्स अथवा सहवास नहीं करता। दोस्तों, जस्टिस शर्मा द्वारा मोर के आजीवन ब्रह्मचार्य रहने की कही बात को पक्षी विशेषज्ञ संदीप नानापटी तथा विक्रम ग्रेवाल ने पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि मोर भी अन्य पक्षियों की तरह मोरनी के साथ सहवास कर प्रजनन करता है। मोर एक ऐसा पक्षी है जो कई मादाओं के साथ अपना संबंध बनाता है, और वहीं वसंत का महीना मोर और मोरनी के प्रजनन का महीना होता है। इस दौरान मोर कुछ खास जगहों पर प्रजनन करते हैं। मोर मोरनी को आकर्षित करने के लिए सेक्स की आवाज़ निकालते हैं तथा अपने सुंदर और मनमोहक से दिखने वाले पंखों को फैलाकर तरह तरह के अजीबोगरीब नृत्य करते हैं। मोरनी मोर की आवाज़ सुनकर तथा उनकी पंखों से आकर्षित होकर वहां आती है और कई मोरों के पास जाकर अपने लिए एक बेस्ट पार्टनर यानी कि एक बेहतर साथी का चुनाव करती है और संभोग करती है। संभोग के बाद मोरनी गर्भ धारण करके एक बार में 2 से 6 अंडे देती है। मोरनी जमीन पर बने अपने घोंसले में ही अंडा देती है तथा उनके ऊपर बैठकर उनकी रक्षा करती है और अंत में उन्हें सेकर बच्चों को निकालती है। इस प्रकार मोरनी के प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऐसे में यह बात सिद्ध होती है कि मोरनी किसी आंसू तथा जादू से गर्भवती न होकर अन्य पक्षियों की तरह सेक्स अथवा सहवास करके ही गर्भवती होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में किसी न किसी नई जानकारी के साथ।